हेलो बेटा, वंस अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम फॉर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड वी आर लर्निंग आर चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 इज भोली. सो वी आर लर्निंग अबाउट भोली, द गर्ल हु मैट विद सो मैनी डिसेबिलिटीज इन हर चाइल्डहुड दैट शी रिमेन्ड अ मेंटली बैकवर्ड गर्ल एंड हर फेस इज होली डिसफिगर्ड. दैट्स वाई शी इज़ नीदर गुड लुकिंग एंड नॉर इंटेलिजेंट. सो इन दिस सीरीज ऑफ दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड समरी, सम ऑफ द टेक्स्चुअल क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, टाइटल, थीम, अबाउट द कैरेक्टर ऑल्सो. बट राइट नाउ वी आर डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. अर्लियर वी हैव डन आर टू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. लेट्स हैव अ रिकैप्चुलेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर. द डोवरी इज अ नेगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी. कि डोवरी क्या है? किसी भी गर्ल्स की डिग्निटी पे एक नेगेशन है, एक नेगेटिव क्वालिटी है, एक धब्बा है. हमने डिस्कस किया था भोली के लिए कि कैसे है. तो सबसे पहले हमने बता देना है व्हाट आर द राइट्स फॉर द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स आर नॉट द बर्डन. ठीक है, दे आर ऑल्सो द ह्यूमन बींग, दे हैव द इक्वल राइट, दे हैव द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. दे शुड नॉट बी गिवन अवे विद मनी एज ए कंपनसेशन. फिर हमने बताया था भोली के थ्रू कि वट हैपन्स टू भोली बिकॉज ऑफ दैट सोशल परस्पेक्टिव. भोली शोज दैट दिस इज अ ड्रामेटिक मैनर हाउ द सोसाइटी ट्रीट्स अ गर्ल, बिकॉज शी इज़ वेरी अगली एंड डम ऑल्सो. And moreover, the parents also willing to pay the dowry to old man. Why? Because they thought that he would not marry her if they did not give any dowry to him. But when she is educated, assertive and capable of taking care of herself, then she denied to marry such a mean, greedy and a coward person. तो इस तरह से सोसाइटी में हमें क्या क्या करना चाहिए, तो भोली के थ्रू दिखाया है. Now in the same manner, a girl should behave when the situation is not praiseworthy. वो कहता है girl को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जब सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती हैं. ठीक है, girl को empower करना है अपने thoughts को, अपनी freedom को. कैसे? एजुकेशन के थ्रू, अपने राइट्स के थ्रू. सोशल लेवल्स जैसे कि डोवरी, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक गर्ल्स के डिग्निटी के लिए क्या है, अपोजिट थिंग होती हैं. सो द गर्ल हैव ऑल द राइट टू से नो टू द पर्सन. ये तो हमने किया था अपने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में. सो नाउ स्टार्ट्स आर सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन. सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है हमारा, कि हमने बताया है भोली चोज अ डिग्निफाइड लाइफ ऑफ सर्विस एंड सर्विस रेदर देन एंड सरेंडरिंग हरसेल्फ टू अ ग्रीडी ओल्ड मैन. वो कहता है भोली ने एक डिग्निफाइड लाइफ को एक्सेप्ट किया है लेकिन उसने एक ग्रीडी आदमी से शादी नहीं की है. ठीक है, क्यों? यानी कि लगभग हमने रोल ऑफ एजुकेशन बताना है इसमें, ये भी हमने बताया था. सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि वो दिन जा चुके हैं जब गर्ल्स की एजुकेशन को अनएक्सेप्ट किया जाता था. ठीक है, बिकॉज इलिटरेसी, इग्नोरेंस एंड सोशल एविल्स ऑलवेज ब्रिंग वॉट, पॉवर्टी, सफरिंग एंड मिजरी. सिर्फ ये चीज़ें ही लाती हैं हमारे लिए क्या क्या, पॉवर्टी, सफरिंग एंड मिजरी जाती हैं. भोली में क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी थी शुरुआत में, क्यों? क्योंकि उसमें डिसेबिलिटीज थी, वो हमेशा साइलेंट रहती थी, टिमिड रहती थी, वीक रहती थी. लेकिन उसकी जो अगलीनेस थी, वो स्टैमर करने की आदत थी, उसने उसको ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं करने दिया. मतलब ये हमने सारी कमियां बताई किसमें, भोली में सारी कमी हमने बता देनी है. सबसे पहले क्या क्या कमी थी, तो उसके बाद हमने बताना है कि भोली में चेंजेस कैसी हुई जब वो स्कूल गई, हाउ द टीचर चेंज हर, यानी कि एजुकेशन ने कैसे उसमें कॉन्फिडेंस भरा है, कैसे उसने डोवरी डिमांड करने वाले पर्सन को डिनाई किया है. इन दिस वे भोली, फिर लास्ट में कंक्लूड निकालते हुए हम बता देंगे कि भोली कैसे रिप्रेजेंट करती सोसाइटी में हर गर्ल्स को. ठीक है, भोली की स्टोरी के थ्रू कैसे दिखाया गया है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन है वही सोसाइटी की परस्पेक्टिव वो चेंज कर सकती है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन. दिस इज ओनली द रिकैप्चुलेशन. फॉर द थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन We learned that भोली feared so much. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा afraid करती थी. तो teacher ने उसको बोला कि fear को अपने दिल से बाहर निकालो, फिर तुम भी दूसरे लोगों की तरह बोल सकोगी. ये word थे encouraging teacher के. ठीक है, इससे teacher को highlight, यही teacher की characteristics थी. तो आपने बता देना है कि teacher ने कैसे role play किया, कैसे भोली में confidence भरा. इसका मतलब role of teacher in her life आप ये बता सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले भोली में जो जो drawbacks थे, जो जो उसमें कमियाँ थी, वो हमने बता देनी है. क्या? कि भोली सफर्ड अ वेरी वीक माइंड. व्हाई? बिकॉज शी मेट विद एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड. बट देन फेट आल्सो प्लेड अ वेरी क्रूशियल, वेरी क्रूल रोल टू हर व्हेन शी स्टार्टेड टू स्टैमर व्हेन शी वाज 5 ईयर ओल्ड. मोर ओवर शी मेट विद अ पोक मार्क्स अटैक व्हेन शी वाज 2 ईयर्स ओल्ड. इन दिस वे शी वाज नीदर गुड लुकिंग नॉर इंटेलिजेंट एंड एवरीवन हैड अ वेरी
poor opinion about Bholi. What that family and all the society and other children badly treated her. They always made fun of her. As a result, she become very introvert. Introvert क्या होते हैं? जो कि खुद से ही बातें करते रहते, दूसरों के सामने बिल्कुल अपनी बात नहीं रख पाते हैं. सो सच चिल्ड्रन फेस द वर्ल्ड ब्रेवली. ऐसे चिल्ड्रन को अगर हमने फेस कर अपने अगर हमने हेल्प करना है कि आप इस दुनिया को अच्छे से फेस कर पाओगे, ब्रेवली फेस कर पाओगे, उसके लिए हमने क्या करना है? उसको लव अफेक्शन से ट्रीट करना होगा, उसको एनकरेज करना होगा कि आप सोसाइटी से जुड़े रहो. वी शुड नॉट मॉक, हमें मॉकिंग नहीं करनी है, मजाक नहीं उड़ाना उनकी डिसेबिलिटीज का. इसके बजाय हमें क्या करना है? उनको होप देनी है दैट दे कैन बी एज गुड एज अदर चिल्ड्रन बाई मोटिवेटिंग एंड अपलिफ्टिंग दैम. कि जैसे दूसरे बच्चे हैं वैसे आप भी हो सकते हो. ठीक है, इस तरह से उनको मोटिवेट करना है और अपलिफ्ट करना है, यानी कि रोल ऑफ अ टीचर. जैसे कि भोली की स्टोरी में टीचर ने उसको अपलिफ्ट किया था. इट्स अ वेरी स्पेशल एंड प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द टीचर दैट बूस्ट द मोरल एंड एनकरेज भोली वेरी मच. सो देर आर लॉट्स ऑफ द चिल्ड्रन इन सोसाइटी लाइक भोली हु नीडेड अटमोस्ट केयर एंड अफेक्शन फ्रॉम अस. दैट्स वाई वी शुड हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर लाइफ to excel in their future, ताकि अपने future में वो सब हासिल कर सके जो वो चाहते हैं. मतलब क्या बताना है? सिर्फ हम क्या कर सकते हैं उसके लिए वो बताना है तुमने. ठीक है, टीचर ने जो क्या किया वो हम अच्छे से बता सकते हैं. भोली के लिए जो भी किया है वो इस पैराग्राफ में, कि भोली क्या थी, बाद में किसने उसको चेंज किया. फिर अपना perspective बताना है कि हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी में ऐसे बच्चों को अपलिफ्ट कराने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ आर क्वेश्चन नंबर 4. डिमांडिंग डोरीज इन एविल प्रैक्टिस. दहेज मांगना एक बहुत बुरी प्रथा है. इस तरह से भोली जो एक डम गर्ल थी, जो एक डम काउ गर्ल थी, वो इस एविल के खिलाफ लड़ती है कैसे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है. भोली को डम काउ गर्ल समझा जाता था. शी वॉज सेंट टू स्कूल नॉट फॉर द स्कूलिंग, नॉट फॉर द एजुकेशन, बट जस्ट टू फुलफिल द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार. वाई? बिकॉज हर फादर वॉज थॉट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट. दैट्स वाई ही वॉज सपोज टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. बट द डे वेन भोली एंटर्ड द स्कूल इट चेंज्ड हर फेट कम्प्लीटली. द टीचर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ. वेयर भोली चेंज्ड टू सुलेखा. इट्स नॉट द सेलेक्टा, इट्स द नेम ऑफ भोली विच इज सुलेखा. ठीक है, LEKHA, इट्स द सुलेखा. ठीक है, सो द वर्ड सेलेक्टा इज टोटली रॉन्ग, इट्स नॉट द सेलेक्टा. ये क्या है यहाँ पे? वर्ड भोली है. तो वहाँ पे भोली को उसकी टीचर किस में बदल देती है? सुलेखा में बदल देती है. नाउ शी बिकम ए वेरी कॉन्फिडेंट एजुकेटेड गर्ल. But no one noticed any change in her personality because now she has learned a lot. But no one noticed because she was a neglected child in her family. But the teacher knows whatever was changing in Bholi. So that's why Bholi engaged with a 50-year-old man. For which she agreed very silently because she was an obedient girl and for the sake of honor of the family, she accepted the proposal. But later on, when he demanded 5,000 rupees as dowry, Bholi ne kya kiya? At once stood up against it. Now she refused to marry because he was insulting her parents. She gave her consent for the mismatch marriage because she did not support dowry. She called Vishambhanath a very mean, greedy and contemptible coward. What do you mean by contemptible? It means hota hai hated, the person who deserve hated. So वो विशंबनाथ को क्या बुलाती है? मीन बुलाती है, ग्रीडी बुलाती है, कॉन्टेम्पिटेबल कोआर्ड बुलाती है. नाउ शी वॉज नो मोर अ डम ड्राइवन काउ. In fact, she set an example in front of the society and become the role model for all the girls. यानी कि भोली ने क्या क्या किया, वो क्या क्या थी, डोवरी के खिलाफ वो कैसे खड़ी हो गई, एक डम काउ से कैसे वो चेंज हो गई, ये सब बताना है. ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन मोल्डिंग भोलीज लाइफ. टीचर का रोल बताना अपने भोली की लाइफ को मोल्ड करने में. ठीक है, भोली वो सेंट टू स्कूल बिकॉज विद हर अगली फेस. ठीक है, बिकॉज विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ नेग्लिजेंस शी हैड लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिज. Moreover, she was not sent to school for the schooling for the education, but she was sent there just to fulfill the order of tehsildar. है ना. ऑल्सो हर मदर कॉल हर अ बर्डन. इवन हर मदर डिडंट लव हर, शी कॉल्ड हर अ बर्डन एंड दैट्स वाई सेड दैट लेट द टीचर्स वरी अबाउट हर. भोली वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल
अनविलिंग टू गो टू स्कूल, नहीं जाना चाहती थी. क्यों? बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज बींग सोल्ड एंड टर्न आउट ऑफ द हाउस लाइक देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी. शी वॉज गिवन क्लीन क्लोथ्स टू वियर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्लीन क्लोथ दिए गए पहनने के लिए. हर विजिट टू स्कूल प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट, उसकी जो विजिट थी स्कूल के लिए वो टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई है. बिकॉज शी थॉट दैट शी वॉज बींग सोल्ड एंड टर्न आउट ऑफ द हाउस, टर्निंग पॉइंट कैसे हुई है? बिकॉज शी वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड. द टीचर वर्कड ऑन हर एज एन आर्टिस्ट, लेकिन इन सब का रिजल्ट क्या था कि टीचर ने एक आर्टिस्ट की तरह काम किया है. शी स्पोक टू हर लविंगली स्वीटली इन अ सॉफ्ट सूदिंग वॉइस, ठीक है, चार क्वालिटीज थी टीचर की वॉइस में. मोर ओवर शी कंसोल्ड एंड एनकरेज द गर्ल टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग. शी टोल्ड द गर्ल वॉट दैट वन डे शुड द मोस्ट लर्न गर्ल इन द क्लास. ये जो मैंने आपको पाँच छः बातें बता रखी है ना, कौन सी पाँच छः बातें बता रखी है? फर्स्ट दैट द टीचर स्पोक टू भोली इन अ वेरी काम सूदिंग एंड सॉफ्ट वॉइस. दीज वर्ड एनकरेज भोली टू स्पीक हर नेम वेरी क्लियरली विदाउट स्टैमरिंग, ठीक है. सेकेंड थिंग, शी ऑल्सो एनकरेज भोली बाई सेइंग दैट शी वुड बी एबल टू लर्न द बुक इन वन मंथ. नेक्स्ट, दीज वर्ड प्रूवड अ वेरी होप एंड थ्रोबिंग फॉर हर हार्ट वेन शी सेड दैट भोली वुड बी द मोस्ट लर्न्ड गर्ल इन द विलेज वन डे. देन एवरी वन, ये हमारी फोर्थ बात थी. देन एवरी वन रिस्पेक्ट भोली. फिफ्थ बात, देन नो वन वुड लाफ एट हर, ठीक है. सिक्स थिंग, देन एवरी वन वुड लिसन टू हर वेरी केयरफुली. विद दीज सिक्स पॉइंट्स द भोली टीचर सॉरी द टीचर चेंज भोली इन टू ए वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल. इनफैक्ट शी रेज इन हर द होप ऑफ न्यू एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ. एजुकेशन एंड टीचर्स एफर्ट्स बोथ द थिंग्स, कौन कौन सी? एजुकेशन एंड टीचर्स एफर्ट्स प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट. इन दिस वे द टीचर प्लेड अ की रोल इन भोली'ज लाइफ. She made her a confident, bold and self-respecting person. Now the teacher realized that the frightened girl only needed what? Tenderness, care and encouragement. Sirf ye do cheeze chahiye hoti hain. In this way, education gave Bholi strength, knowledge and understanding and she transformed into an enlightened girl from a fool. नेक्स्ट, हमने भोली का करेक्टर स्केच बताना है, टीचर का रोल जो है वो बताना है, और एजुकेशन किस तरह से मतलब इस स्टोरी को या किसी भी इंसान की ज़िंदगी को एक आई ओपनर बना सकते हैं. यानी कि हमने सब कुछ बता देना है जो जो हमने अब तक पढ़ा है. यानी कि एक तरह से चैप्टर की आप स्टोरी लगा लो, एजुकेशन का रोल लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, भोली का करेक्टर लगा लो. ओके, तो भोली का नाम सुलेखा, सबको पता, इट्स नॉट द सेलेक्टा, मैंने पहले भी बताया है सेलेक्टा नहीं है. क्या है उसका नाम? है सुलेखा है. क्या है भाई नाम उसका? सुलेखा, नॉट सेलेक्टा, ठीक है. लेकिन हर कोई उसको फूल समझता है सिंस द टाइम व्हेन शी वाज अ लिटिल चाइल्ड. व्हाई? बिकॉज व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, तो जो जो उसके साथ मिस हैपनिंग हुई है वो आपने सारे बता देने हैं कि वो कॉर्ड से गिर गई है, डैमेज हो गया कुछ पार्ट, ठीक है. लेकिन वो बोल भी नहीं पाई व्हेन शी वाज 5, ठीक है. सो शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, एवरीवन वाज लाफिंग एंड मिमिकिंग दिस चाइल्ड. दैट्स व्हाई शी बिकम इंट्रोवर्ट. शी फेल्ट वेरी इन्फीरियर. बट फेट प्लेड अ वेरी क्रूअल जोक ऑन हर. शी ऑल्सो मेट विद एन स्मॉल पॉक्स विच मेड हर कम्प्लीटली डिसफिगर्ड. इन दिस वे द गर्ल बिकेम वेरी अगली, द बिकेम वेरी डम्बलेस, वेरी विटलेस गर्ल. So now no one cared to mend her clothes, no one cared to wash her clothes because no new clothes were given to her. But this time at the age of 7, जो भी चेंज हुआ है ना वो हमने बताना है कि एट द एज ऑफ 7 क्या क्या उसके साथ हुआ है. क्या क्या हुआ था एज ऑफ 7 में when she was sent to school? तो उसकी टीचर ने जो भी उसको बोला वो हमने बता देना है, ठीक है. बिकॉज द टीचर्स केयरिंग अफेक्शनेट. अब टीचर वाला रोल पहले भोली वाला सारा बता के अब टीचर वाली सारी बातें. बिकॉज टीचर वॉज caring, affectionate, kind lady who brought change in her life. Her parents were worried about Bholi's future. Parents worried hain. They wanted to marry her off to a lame old man. But teacher ne kya kiya? Built up Bholi's confidence and power of speech. और इस तरह से विद हर एफर्ट्स, विद हर लविंग, सूदिंग, केयरिंग एंड एनकरेजिंग वॉइस, द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड भोली इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल. नाउ भोली हैज़ द करेज टू रिफ्यूज़ टू मैरी अ मीन, ग्रीडी एंड लैम ओल्ड मैन. इन दिस वे द लविंग मेंटर कौन थे? एजुकेटर्स होते हैं. लविंग मेंटर एंड जस्ट अ मिनट, द लविंग मेंटर एंड गुड एजुकेशन चेंज्ड भोलीज़ लाइफ फॉर एवर, ठीक है.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विशंबरनाथ कौन था? पेनिट ने कैसे शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया? तो विशंबरनाथ कौन था भाई? वेल टू डू ग्रोसर। पहले तो इसकी जो है पॉजिटिव क्वालिटीज बताइए, ठीक है, सॉरी एक नेगेटिव क्वालिटीज बतानी हमने। नेगेटिव क्वालिटीज कौन सी? विशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर फ्रॉम अ नेबरिंग विलेज, ही वॉज लैम, 50-year-old विडोअर और ग्रोन अप चिल्ड्रन है उसके, ठीक है, ये चार पांच बातें हमने बता देनी है। बट भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड द मैरिज प्रपोजल, लेकिन भोली के पेरेंट्स ने मैरिज प्रपोजल को स्वीकार किया। अब पॉजिटिव क्वालिटीज बता देनी है कौन कौन सी। ही हैड अ बिग शॉप, बिग हाउस, ही हैड अ वेरी गुड बैंक बैलेंस, मोर ओवर एक लाइन आप और एड कर देंगे, ही इज नॉट डिमांडिंग वॉटर, डोवरी को नहीं मांग रहा है, दहेज नहीं मांग रहा है, ठीक है। इन दिस वे द पेरेंट्स बिलीव दैट भोली वॉज अगली एंड शी वुड रिमेन अनमैरिड, ठीक है, इफ़ दे रिजेक्टेड हिज ए प्रपोजल। तो इट्स सो इजी, व्हाई डिडंट भोली एट फर्स्ट अपोज द प्रपोजल फॉर अनइक्वल मैच एंड देन एग्रीड। भोली ने पहले तो उस अनइक्वल मैच को क्या किया था, स्वीकार कर लिया, उसको क्या किया, रिफ्यूज कर दिया बाद में, और पहले उसको स्वीकार क्यों किया था? सो भोली न्यू दैट शी वॉज जस्ट अ बर्डन फॉर हर पेरेंट्स। पता था भोली गॉट द फीलिंग बिकॉज ऑफ हर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, शी गॉट द फीलिंग दैट पेरेंट्स वर थिंकिंग दैट शी वॉज अ बर्डन ऑन हर ऑन देम, दे थॉट हर वर्थलेस, उसको बिल्कुल बेकार की चीज समझते थे, एंड कुडंट इवन ड्रीम ऑफ अ गुड मैरिज प्रपोजल फॉर हर, उसके लिए अच्छा मैरिज प्रपोजल आएगा ऐसा तो सपने भी नहीं ले सकते थे। When she realized that her parents were happy to find such a rich and prosperous bridegroom for her, she bowed to their wishes. जब भोली को पता चलता है कि parents बड़े खुश हैं इस तरह के bridegroom को पाके, तो वो झुक जाते उनके wish के सामने, वो oppose नहीं कर पाते because of the honor of the family, ठीक है। He agreed to many a man who was the age of her फादर। वो कहते हैं वो एक ऐसे आदमी के लिए शादी करने के लिए तैयार हो गई थी जो कि उसके फादर की एज का था, एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम फर्स्ट वाइफ। सो इन दिस वे शी हैड द करेज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। बट लेटर ऑन, यहाँ पे एक्चुअली आंसर दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप अच्छे से लिख सकते इसका आंसर क्या, कि भोली देन रिजेक्टेड द मैरिज प्रपोजल बिकॉज विशंबरनाथ नाउ डिमांडेड डोवरी, ठीक है, नाउ ही डिडंट रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स, दैट्स वाई शी डिनाइड टू मैरी सच ए मीन ग्रीडी कॉन्टेम्पिटेबल क्वाड मैन हु वॉन्टेड ओनली मनी। ये बातें आपने अपने पास से लिखनी है। सुलेखा को भोली क्यों बोला गया, सिंपलटन क्यों बोला गया था? सुलेखा का मतलब क्या होता है? द वूमेन हु राइट्स विद अ ब्यूटिफुल हैंड, जो सुंदर हाथों से लिखती है वो औरत। लेकिन आयरनिकली मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट, भोली ऑफ द स्टोरी वॉज कंसिडर टू बी बैकवर्ड चाइल्ड, एक बैकवर्ड चाइल्ड की थी। शी वॉज कॉल्ड सिंपलटन अ विटलेस गर्ल, उसको बोला गया सिंपलटन, जिसका मतलब होता है विटलेस गर्ल, जिसमें दिमाग नहीं होता। क्यों आप बता देना है क्यों? क्योंकि शी फेल ऑफ द कोर्ट इन हर अर्ली चाइल्डहुड, ब्रेन डैमेज हो गया था, ठीक है। ऑल द गर्ल्स आर वेरी गुड लुकिंग एंड हेल्थी, बट भोली कुडंट स्पीक प्रॉपरली एंड शी स्टार्टेड स्टामरिंग ऑल्सो, हर पोक मार्क्स मेड हर थ्रू आउट द लाइफ वेरी अगली, ठीक है। एवरी वन मॉक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, इन दिस वे शी रिमेंड अ सिंपलटन गर्ल। ये तो बात थी कि सुलेखा को भोली द सिंपलटन क्यों कहा गया, ठीक है, हाँ जी। सो इन दिस वे द चैप्टर इज फिनिश्ड। I think you understand each and everything. Still, if you have some doubt, then ask me. Till then, thank you very much. Have a nice day.